वैसे तो हार्ट अटैक कई टाइप के होते हैं, लेकिन आज हम आपको देंगे एक्यूट हार्ट अटैक जो पड़ता है अचानक इमरजेंसी में। इमरजेंसी में जो हार्ट अटैक पड़ता है उसका दूसरा नाम होता है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन होता है, इन्फ्रैक्शन होता है, इन्फ्रैक्शन। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता क्यों है, होता कैसे है, इसके बहुत सारे रीजन है। जिस वजह से फर्स्ट रीजन है नंबर एक पॉइंट इसका कहां से, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो आती है इसके लिए हमें बाईपास सर्जरी, हार्ट बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है, वही होता है एंजियोप्लास्टी। और सेकंड होता है बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग, वाइन, एल्कोहल, मतलब बहुत ज्यादा लेवल में एल्कोहल, छोटे मोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्मोकिंग सबसे दूसरा ज्यादा रीजन है स्मोकिंग। स्मोकिंग से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन जाती है ब्लड में जिससे हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा क्या होता है, तीसरा तंबाकू, तंबाकू में पाया जाता है निकोटिन जिससे पड़ती है आदत, निकोटिन से हमारे ब्लड को पड़ती है आदत, निकोटिन से हमारा जो ब्लड होता है वो काफी थिन हो जाता है, काफी थिन हो जाता है। एल्कोहल, कैनबोइड्स, गांजा, चरस, इडीसी। और दूसरे अगर हम जो कोई एक्यूट पेशेंट आ जाता है एक्यूट डिजीज में हार्ट अटैक की इमरजेंसी में, तो कौन से टेस्ट होते हैं, सबसे पहले टेस्ट होता है इको कार्डियोग्राफी, ईसीजी और स्मोक लंग टेस्ट भी कर लेंगे, ऐसे कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। ये दोनों तो होते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जो एक्यूट कंडीशन होती है अगर हम बात करें उसमें टेबलेट की, आई एम नॉट ए डॉक्टर, ऐसे ही बस ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, करने मतलब जाने घर पर फिजिशियन की सलाह लेनी जरूरी है। जब ज्यादा जो हमारे जो ब्लड होता है वो ज्यादा मोटा आता है, फिर फसल ब्लॉकेज बन जाते हैं, तो सबसे पहले देते हैं हिपेरिन के इंजेक्शन, हिपेरिन ड्रग देते हैं। ये क्या होता है, हमारे जो हार्ट में कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज लगा रहता है, जमा रहता है, उसे खून को पतला करता है ताकि फिर से ब्लड फ्लो सही मात्रा में होता है।